सोयाबीन में हेलिकोवर्पा। यदि आपकी सोयाबीन की फसल इल्लियों से संक्रमित रहती है तो हो सकता है कि आपकी फसल हेलिकोवर्पा से ग्रसित है। अक्सर देखा जाता है कि कीटों की तरफ ध्यान अधिक संक्रमण बढ़ने पर ही जाता है। अधिक संक्रमण में विभिन्न कीटनाशकों से छिड़काव करने से फायदा नहीं होता है। हेलिकोवर्पा ऐसा ही एक कीट है। जल्दी पहचानने और एकीकृत प्रबंधन करने से आप फसल और खर्चे दोनों को बचा सकते हैं। एकीकृत प्रबंधन कई फसलों के लिए फायदेमंद है। मादा कीट पौधों पर सैकड़ों अंडे देती है। अनुकूल परिस्थितियों में 3 दिन में अंडे से इल्ली बाहर निकल आती है और 13 से 22 दिन में विकसित हो जाती है। इल्लियां पत्तियों को खाती हैं। फलियों के विकास के समय इल्लियां फली में छेद करके उसे खोखला बना देती हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन में सामान्य खेती पद्धति जैसे गर्मी में गहरी जुताई, प्रतिरोधी किस्में उगाना, पक्षियों के लिए प्रति हेक्टर 20 बसेरे बनाने के साथ साथ उत्तम उर्वरक का प्रयोग भी जरूरी है। अधिक नाइट्रोजन वाले उर्वरक ना लगाइए, क्योंकि वनस्पति अधिक घनी हो जाती है और पत्तियां खाने वाले कीटों को आकर्षित करती हैं। विभिन्न पोषक तत्वों विशेष रूप से पोटाश को उपलब्ध करवाइए। यह कीट और रोग से बेहतरीन अवरोधन क्षमता प्रदान करता है। जैविक नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टर 10 फेरामोन ट्रैप लगाइए। यदि फेरामोन ट्रैप में 20 से 25 कीट पकड़े जाएं, तो HANPV@100larval extract प्रति एकड़ के दर से छिड़काइए। छिड़काव से पहले उसमें एक छोटा चम्मच नील और स्टिकर भी मिलाइए। यदि अगले 1 से 2 दिन में बारिश की संभावना हो तो छिड़काव नहीं करें। फलियां आने की अवस्था में इस कीट के लिए इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल 3 लार्वा प्रति मीटर है, यानी इस अवस्था में रसायन से नियंत्रण जरूरी हो जाता है। प्रति हेक्टर 333 मिलीलीटर 15.8% ईसी इंडेक्स कार्ब को पानी में मिलाकर छिड़काव कीजिए। तो किसान भाइयों, अपने फसल पर कड़ी नजर रखिए और संक्रमण के लक्षण दिखते ही एकीकृत प्रबंधन को अपनाइए और उच्च उपज को सुनिश्चित कीजिए। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।